दोस्तों, जैसे जैसे सितंबर अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा है, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी में राजनीतिक गर्मी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। भारत एक अहम मोड़ पर खड़ा है और इस महीने यूएनएससी में परमानेंट सीट हासिल करने की काफी संभावनाएं हैं। यह विकास भारत के दुश्मन देशों, खासकर चीन और तुर्की के लिए चिंता का विषय बन गया है। दोनों देश खुलकर कह चुके हैं कि भारत को परमानेंट सीट नहीं मिलनी चाहिए। इससे एक बड़ी बहस छिड़ गई है और लोग यह सवाल कर रहे हैं कि अगर भारत को सीट नहीं मिलती है तो क्या वह कोई नया ग्लोबल संगठन बनाएगा? क्या भारत ब्रिक्स को इतना मजबूत करेगा कि वह यूनाइटेड नेशंस को टक्कर दे सके? और क्या ब्रिक्स दुनिया की ताकत का संतुलन बदल सकता है? ये सवाल ऐसे लग सकते हैं जैसे ये अभी के लिए काल्पनिक हैं, लेकिन सच कहूं तो यह बिल्कुल नामुमकिन नहीं है। दोस्तों, ब्रिक्स के पास शायद यह क्षमता है कि वह आने वाले समय में यूनाइटेड नेशंस को रिप्लेस करे या कम से कम उसका प्रबल प्रतिद्वंदी बन सके। ब्रिक्स का एक बड़ा फायदा यह है कि इसका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आसान और तेजी से होता है, जो कि यूएन के उल्टा काफी एफिशिएंट है। यूनाइटेड नेशंस एक बड़ा संगठन है जिसमें ब्यूरोक्रेसी के कई चरण हैं और जहां वीटो पावर जैसी रुकावटें हैं जो बड़े फैसले लेने में देरी करती हैं। इसके विपरीत BRICS के देश आपस में ज्यादा मिलते जुलते हित रखते हैं और अपनी नीतियों को जल्दी लागू कर सकते हैं। हालांकि ब्रिक्स यूएन को पूरी तरह से रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन ऐसे कई मामले हैं जहां इसका रोल काफी बड़ा हो सकता है, खासकर उन स्थितियों में जहां यूएन धीमा या इनइफेक्टिव साबित होता है। पूरी खबर क्या है इस वीडियो में जानते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि भारत से संबंधित तमाम इंटरनेशनल खबरें आपको मिलती रहे। दोस्तों, यूएन का पुराना ढांचा, खासकर यूएनएसएससी की रचना अब पुरानी होती जा रही है। सिर्फ 5 देश US, रशिया, चाइना, UK और फ्रांस परमानेंट मेंबरशिप और वीटो पावर रखते हैं। यह सेटअप वर्ल्ड वॉर 2 के बाद की जियोपॉलिटिक्स को दर्शाता है, खासकर कोल्ड वॉर का असर, लेकिन यह आज के युग में दुनिया को सही से नहीं दर्शाता। ये 5 देश अक्सर कोल्ड वॉर ईरा के सोच के साथ काम करते हैं और ऐसे संविधान बनाते हैं जो पूरी दुनिया के लिए मुश्किल पैदा कर देते हैं। दुनिया को आगे बढ़ने के लिए इस पुरानी सोच को बदलने की जरूरत है। एक और बड़ी समस्या यह है कि उभरते हुए अर्थव्यवस्थाओं और विकसित हो रहे देशों की आवाज यूएन में उतनी प्रभावी नहीं होती जितनी होनी चाहिए। दोस्तों, इसके विपरीत BRIC जैसे प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जहां देश जैसे भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका अपनी बात ग्लोबल लेवल पर ज्यादा जोर से रख सकते हैं। यूनाइटेड नेशंस ने लगातार ऐसे उभरते हुए शक्तियों जैसे भारत और ब्राजील को कम आंका है, जबकि इन देशों में दुनिया का संतुलन बदलने की क्षमता है। ब्रिक्स के माध्यम से इन शक्तियों को एक मौका मिलता है कि वे अपने आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों को प्रभावी तरीके से उठाए। अगर BRICS आगे जाकर और ज्यादा देशों को अपने साथ जोड़ता है तो यह एक ऐसा विश्वव्यापी संगठन बन सकता है जो यूएन की तरह अधिक प्रतिनिधि हो, लेकिन एक ज्यादा समानाधिकार और समावेशी रूप के साथ। यह उन देशों के लिए विशेष रूप से आकर्षक हो सकता है जो करंट यूएन ढांचे से अपने को अलग महसूस करते हैं। दोस्तों, एक और सवाल जो लोगों के दिमाग में है वह यह कि क्या ब्रिक्स पावरफुल ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF को टक्कर दे सकता है या उन्हें कमजोर कर सकता है? आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो BRIC के पास अपार क्षमता है। इसके सदस्य देश विश्व के GDP का बड़ा हिस्सा बनाते हैं और इनके पास अपार प्राकृतिक संसाधन हैं। अगर ये देश अपनी आर्थिक और व्यापारिक ताकत को और मजबूत करते हैं तो BRIC एक आर्थिक सुपर पावर बन सकता है जो IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे संस्थानों को चुनौती दे सके। उदाहरण के लिए चीन और भारत दोनों ही दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं और इन दोनों का आर्थिक प्रभाव दुनिया के आर्थिक संतुलन को बदल सकता है। अगर ब्रिक्स के सदस्य देश अपनी आर्थिक नीतियों और व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करते हैं तो वे विश्व के आर्थिक विचारों में प्रमुख भूमिका निभाते हुए यूएन की संस्थाओं जैसे IMF की अहमियत को कम कर सकते हैं। दोस्तों, ब्रिक्स के विकास का एक स्पष्ट उदाहरण
न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB है, जो कभी कभी ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के नाम से भी जाना जाता है। यह संस्था वर्ल्ड बैंक और IMF का एक मजबूत विकल्प बनी हुई है, खासकर विकसित हो रहे देशों के लिए। NDB विकसित देशों को IMF या वर्ल्ड बैंक के मुकाबले ज्यादा सुविधाजनक शर्तों पर आर्थिक मदद प्रदान करता है, जो इसे उन देशों के लिए एक बेहतर विकल्प बनाता है जो वेस्टर्न डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशंस के कठोर नियमों से तंग आ चुके हैं। जैसे जैसे ब्रिक्स और संस्थाओं को विकसित करता है, वह ग्लोबल गवर्नेंस का एक नया मॉडल प्रस्तुत कर सकता है जो UN के प्रभुत्व को चुनौती दे सकता है। दोस्तों, एक और बड़ी बात जो कई लोग पूछते हैं वह यह कि क्या BRIC वेस्टर्न प्रभुत्व को समाप्त कर पाएगा। BRIC का प्रभाव सिर्फ आर्थिक ही नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से भी बढ़ रहा है। देश जैसे चीन और रूस विश्व राजनीति में पहले से ही काफी प्रभावी हैं, और अगर ब्रिक्स और देशों को अपने साथ जोड़ता है तो यह एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति केंद्र बन सकता है। यह UN जैसे संस्थानों के लिए एक बड़ा चुनौती बनेगा, जहां वेस्टर्न देश खासकर US, UK और फ्रांस काफी प्रभावी हैं। खासकर UNSC में ब्रिक्स दुनिया को एक ज्यादा मल्टीपोलर वर्ल्ड की ओर धकेल सकता है, जहां फैसले सिर्फ कुछ गिनी चुनी शक्तियों के दायरे तक सीमित नहीं होते बल्कि कई देश मिलकर फैसले करते हैं। दोस्तों, रूस और चीन पहले से ही UNSC के परमानेंट मेंबर्स हैं, लेकिन ब्रिक्स के माध्यम से इन देशों को दूसरी उभरती हुई शक्तियों के साथ मिलकर अपना राजनीतिक प्रभाव और मजबूत करने का एक मौका मिलेगा। अगर BRIC अपना राजनीतिक प्रभाव और बढ़ाता है तो वह वैश्विक राजनीतिक मामलों में UN का एक प्रबल प्रतिद्वंदी बन सकता है, एक ज्यादा ताकतवर और प्रभावी संगठन बन सकता है। दोस्तों, ब्रिक्स का एक बड़ा बल यह है कि यह उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं और विकसित हो रहे देशों के मुद्दों पर केंद्रित है। UN के विपरीत, जो अक्सर ग्लोबल नॉर्थ के विकसित देशों के हितों पर ज्यादा ध्यान देता है, ब्रिक्स गरीबी हटाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, आर्थिक सहयोग, जलवायु परिवर्तन और व्यापारिक संतुलन जैसे वैश्विक मुद्दों पर ज्यादा जोर देता है। अगर BRICS इन मुद्दों पर काम करता रहेगा तो यह उन देशों के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म बन सकता है जो UN की क्षमता से नफरत करते हैं। लेकिन दोस्तों, एक महत्वपूर्ण सवाल जो कई लोग उठा रहे हैं वह यह है कि क्या रूस और चीन का ब्रिक्स में बढ़ता प्रभाव दूसरे विकसित देशों के हितों को नुकसान पहुंचाएगा। यह सवाल बिल्कुल सही और लॉजिकल है। रूस और चीन BRICS के दो सबसे बड़े और प्रभावी देश हैं, और उनका राजनीतिक और आर्थिक बल BRICS में डोमिनेंट पोजीशन देता है। उदाहरण के लिए, चीन का आर्थिक योगदान BRICS